आए हैं TDF मैग्नीफाइड साइंस सेंटर विच इज़ अ साइंस म्यूजियम इन कराची, एंड बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है. पहली बार साइंस एंड मैथमेटिक्स इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक ऐसी जगह बनाई गई है जहाँ नॉट ओनली स्टूडेंट्स बल्कि फैमिली भी आके अपना टाइम भी इंजॉय कर सकें, एंड बहुत लर्निंग वाली जगह है, यहाँ बहुत कुछ लर्न कर सकते हैं. सो आई एम रियली एक्साइटेड, लेट्स सी. मैं आप लोगों को पूरा म्यूजियम भी विजिट करवाऊंगी, एंड आई विल शो यू कि मेरा दिन किस तरीके से गुजरा. ये जिसने भी बनाया इसको इतना जीनियस आइडिया है ना. आवाज भी आ रही है. दिस होल प्लेस आवाज भी आ रही है. यहां पर देखो ब्लड वेसल्स. या ओके, सो ये मिरर मेज है और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि जहाँ देखो मिरर्स ही मिरर्स है, आगे पीछे लेफ्ट राइट हर जगह, और कहीं कहीं से लाइक रास्ता बनाया हुआ है, बट स्टिल वेरी इंटरेस्टिंग. मैंने इस टाइप की पहले कोई जगह विजिट नहीं की, बहुत मज़ा आया. वाओ, यहाँ हर चीज़ को इतना क्रिएटिवली सोच समझ कर प्लान आउट किया गया और फिर बनाया गया है. एंड अब हम जो एरिया विजिट कर रहे हैं उसका जो मेन थीम है, जो फोकस है, वो है इल्यूजन्स और विजुअल पर्सपेक्टिव्स. सो लेट्स सी आगे क्या क्या है, एंड आई होप यू विल एंजॉय इट. वाओ क्यूट. अच्छा, तो इस पूरे एरिया में मैंने एक चीज़ जो नोटिस की है वो ये है कि यहाँ मिरर्स वगैरह को बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है. डिफरेंट उसकी पोजीशनिंग की गई है, अलग अलग तरीके से उसे लाइक यूज़ करके क्रिएटिवली डिफरेंट चीज़ें बनाई गई हैं. तो प्लस पॉइंट फॉर दैट, मैंने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, एंड आई फील लाइक ये मेरा फेवरेट एरिया था.
आज से पहले सिर्फ ग्रेविटी का नाम सुना था, लेकिन आज फील भी हो रहा है। अच्छा, तो जस्ट फॉर कॉन्टेक्स्ट, अगर आप लोगों को समझ नहीं आ रहा, ग्रेविटी रूम में बेसिकली जैसे ही हमने ग्रेविटी रूम को एंटर किया, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर भी आ रहे थे एंड वहाँ सच में फील हो रहा था कि हाँ यार, ग्रेविटी का कुछ तो असर है। इवन दो अगर वीडियो में देखकर पता ना चले, देयर वाज अ फोर्स जो हमें पीछे की तरफ खींच रही थी और यहाँ चलना बहुत मुश्किल था। साइंस टीचर्स को याद है कि ग्रेविटी पढ़ानी चाहिए। और ये रहे सैफ ऑपरेशन करते हुए। स्पाइडर निकले। क्या निकले? स्पाइडर। कहाँ से निकले? कान से। और ये दिमागी कीड़ा। इसके दिमागी कीड़े को रिमूव करो। और ये लिखा है सैफ ने अपना नाम। जैसे ही इसे निकालेंगे ना तो लाइट बंद। अच्छी है ना? ओके, तो अब हम जिस एरिया में जा रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड कराची मोहल्ला, और यहाँ ट्रक आर्ट वगैरह देखने को मिल रहा है, तो लेट्स सी और क्या क्या है। देखने में तो ये बिल्कुल नॉर्मल सी स्लाइड्स लगती हैं, लेकिन ये तीन डिफरेंट सरफेसेस पर बनाई गई हैं टू रिकॉल द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रिक्शन। निकल ही गए। ओके, नाइस। टॉर्चर करना ना। व्हाट द हेल। ये बीच वाला दोनों ने साथ कर दिया तो मेरे को फंस जाता है।
राइट टर्न से प्लेन है। क्या है अभी इसको ये वो सैंड आर्ट होता है ना, उससे इंस्पायर्ड। लेट्स गो। नाइस। ये ऐसे बनेंगे सारे। ओह वाव, अच्छा है। Bananas. See. बिल्कुल रियल लग रहा है। अच्छे। Bright. OMG. बहुत सस्ता सामान है यहाँ। Bakery. बहुत अच्छा बना है, दिस इज सो गुड। मेरा दिल कर रहा है मैं घर ले जाऊं। ओ ये देखो शेफ, फुल रिटेन वाला सीन, जबरदस्त। खोलो फ्रीजर है। यस, देखो क्या दूं। वाओ असली लग रहा है। ये हम देख चुके हैं पहले। केक देखा। सो इट वॉज अ ग्रेट डे, बहुत मजा आया। काफी इंटरेक्टिव जगह है, बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। एंड इफ यू आर अ साइंस एंथुसियास्ट यू शुड डेफिनेटली विजिट इट। आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। गुड बाय। और फिर दोबारा जोड़ना जुड़ भी नहीं रहा है।